नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी अहम और खबर के साथ लखनऊ से मिल रही, जहां संघ कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां संघ कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। अलीगंज के आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। संघ से जुड़े शख्स को व्हाट्सएप पर धमकी मिली है। धमकी को लेकर लखनऊ के मड़ियाव थाने में केस दर्ज किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से सामने आई, जहां पर संघ कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया आरएसएस से जुड़े शख्स के पास। धमकी को लेकर लखनऊ के मड़ियाव थाने में केस जो है वो दर्ज कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से, जहां अलीगंज के आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां संघ से ही जुड़ा हुआ है शख्स, जिसे व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला और ये धमकी दी गई कि जल्द से जल्द संघ कार्यालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। हालांकि केस दर्ज कर दिया गया है। पूरे मामले को लेकर अब पतासाजी करने की कोशिश पुलिस कर रही है कि हालांकि ये व्हाट्सएप जो मैसेज है वो कहां से आया है, किसने किया है। तो अलीगंज के आरएसएस कार्यालय का एक पूरा मामला है, जहां पर एक धमकी दी गई है कि बम से उड़ा दिया जाएगा इस कार्यालय को। कुछ ऐसा रात में नहीं बताया, लेकिन सुबह फिर आए थे एसएचओ, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा एक मैसेज आया है। और सुल्तानपुर के प्रोफेसर हैं नीलकंठ जी, उनके फोन पर ऐसा व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है। उनके एफआईआर भी दर्ज कराई गई। यहाँ पर सीधी कोई सूचना नहीं है ऐसी कि सीधे तौर पर कोई सूचना, क्योंकि हमारे यहाँ अभी समय पर निराला नगर में 20 दिन से शिक्षा वर्ग चल रहा है। शिक्षा वर्ग में ही सारे पदाधिकारी जो है वो निराला नगर में ही है। तो यहाँ पर अभी कार्यालय में तो एक आध विद्यार्थी है और बाकी मैं रह रहा हूँ। पुलिस ने अब यही बताया कि मैसेज आया है। कुछ अगर ऐसा लगता है आप लोगों को कुछ समस्या है तो फोन करिए, नंबर देखे गए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है उनकी तरफ से कोऑपरेट करने के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें मथुरा से, जहां सीएम योगी के मथुरा दौरे का आज दूसरा दिन है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर में दर्शन पूजन उन्होंने किया। अधिकारियों के साथ सीएम विकास पर आज चर्चा करेंगे। ब्रज विकास परिषद बोर्ड के साथ बैठक करेंगे। ब्रज क्षेत्र के विकास का रोड मैप को लेकर बैठक आयोजित की जाएगी। तो सीएम योगी के मथुरा दौरे का आज दूसरा दिन है। बांके बिहारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां दर्शन करने पहुंचे और श्री कृष्ण का आशीर्वाद जो है वो लेते हुए नजर आया। आज खास तौर से अधिकारियों के साथ सीएम चर्चा करेंगे। कई विकास कार्यों का रोड मैप जो है वो तैयार होगा। ब्रज विकास परिषद बोर्ड के साथ बैठक करेंगे। तस्वीरें आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हालांकि दूसरे कार्यकाल का पहली बार जो दौरा है वो मथुरा में हुआ है। तो तस्वीरें आप बांके बिहारी की हैं, जहां पर श्री कृष्ण जी के जन्म की तस्वीरों को लेकर श्री कृष्ण के तस्वीरों पर माल्यार्पण अर्पण करते हुए नजर आए। हालांकि दर्शन पूजन भी उन्होंने किया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ आज कई विकास कार्यों पर चर्चा भी करने जा रहे हैं। तो दूसरा दौरा है, दूसरा दिन है, आज मथुरा दौरे पर हैं। इसके पहले आपको बता दें, कल कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनके बेटे की शादी के लिए भी पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुरेश सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, जिस तरह से बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरे कार्यकाल का पहला दौरा है मथुरा में, दूसरा दिन है। इसके पहले हम बता दें कि कल जिस तरह से अपने मंत्री के बेटे की शादी में भी पहुंचे थे, बांके बिहारी के दर्शन उन्होंने किया, आज का जो कार्यक्रम है वो किस तरह से रखा गया है, क्या कुछ बैठक है और क्या कुछ मसौदा तैयार होगा आज? आपको पहले से ही खाते और मथुरा के लिए प्रकाश लगा हुआ है। वो दूसरे अपने सरकार के द्वारा कई बार आए थे, किसी द्वारा कार्य को लेकर भी चिंतित रहते हैं। और उसी तरह से जिस तरह से अब यहाँ पर दूसरे दिन आज उनका दौरा है, वहाँ पे उन्होंने सुबह श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए, उसके बाद वहाँ पूजा अर्चना की है। पहले वो केशव देव मंदिर गए, फिर गर्भगृह गए और फिर भागवत भवन, जिस तरह से उन्होंने पूजा अर्चना की है, दर्शन किए, वो पूरे भक्तिभाव में नजर आए थे। वो उसी अंदाज में, जिस तरह से योगी का अंदाज कहा जाता है, और जिस समय वो जन्मभूमि पहुंचे तो वहाँ जो स्थानीय सुरक्षा कर्मी है उन्होंने जन्मभूमि परिसर को आम श्रद्धालुओं के लिए रोक दिया था। हालांकि मीडिया को भी इस कवरेज से दूर रखा गया है। और फिर जो राजस्थान की समाधि जो महावन स्थित है वहां गए। तो श्री कृष्ण जन्म स्थान खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, तमाम सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए बात करेंगे विधान परिषद चुनाव के नामांकन का, आज पांचवा दिन है, यानी विधान परिषद की 13 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। बीजेपी सपा कर सकती है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, और आज सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य भी कर सकते हैं अपना नामांकन दाखिल। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विधान परिषद चुनाव के नामांकन का आज पांचवा दिन है, और ऐसे में विधान परिषद की 13 सीटों की अगर हम बात करें तो प्रत्याशी जो है वो जल्द से जल्द घोषित हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी जो है वो अभी तक उसने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन सपा की तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो अपना नामांकन आज दाखिल कर सकते हैं। तो बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और अब ऐसे में उम्मीदें हैं कि विधान परिषद चुनाव के नामांकन के लिए आज पांचवा दिन, और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो अपना नामांकन आज दाखिल कर सकते हैं। तो पूरी तरह से कयास और अटकलें लग चुकी हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो जल्द से जल्द अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अनूप हमारे संवाददाता जो कि अनूप जिस तरह से बात करें कि 100 विधान परिषद सीटें, और ऐसे में उम्मीदें जो है वो लग रही हैं कि स्वामी प्रसाद जो मौर्य हैं बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थाम चुके हैं, क्या लग रहा है कितने बजे अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे? देखा श्वेता, पहले हम लोग बहुमत के हिसाब से समझ लेते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए, विपक्ष के पास यानी समाजवादी पार्टी पास गठबंधन समेत 125 सीटें हैं, तो निश्चित रूप से अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन समेत 4 प्रत्याशियों को उतारती है तो बहुमत के हिसाब से मनोनीत हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके पास गठबंधन को मिलाकर 275 सीटें हैं, ऐसे में 13 सीटों पे चुनाव होना है, यानी जो 9 सीटें जो हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी निर्विरोध मनोनीत कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सूत्र हवाले से खबर आ रही है ज्यादा प्रत्याशी उतारने के फिराक में है। केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, वो डिप्टी सीएम है, निश्चित रूप से उनका नाम जो रेस में चल रहा है उसमें नाम रहेगा। दूसरी बात करें कि दिनेश शर्मा, वो भी एमएलसी बनाए जा सकते हैं। लगातार जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि महेंद्र सिंह का भी नाम हो सकता है, तमाम ऐसे नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के रेस में चल रहे हैं। हालांकि जल्द ही सूची जारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी किन प्रत्याशियों को उतारेगी, क्या 9 से भी ज्यादा होंगी। अगर 9 से ज्यादा होंगे तो 20 तारीख को चुनाव होगा, इसलिए क्योंकि आशंकाएं बढ़ रही है समाजवादी पार्टी में। अभी सबको पता है शिवपाल चाचा नाराज हैं, तो ऐसे तमाम विधायक ऐसे होंगे जिनकी नाराजगी हो सकता समाजवादी पार्टी के लिए महंगी पड़ जाए या भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल जाए। बची दो सीटें यानी बहुजन समाज पार्टी की बात करें बीएसपी की, तो उनके पास सिर्फ एक विधायक है। ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस के पास एक विधायक है, तो समाजवादी पार्टी को मुझे लगता है बीएसपी वोट नहीं देगी, तो ऐसे में वो जो बीएसपी के पास वोट है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में जोड़ रही है। तो एक कयास जिस तरीके से लगातार एक जाति गणित साधने को लेकर के एक दूसरे को लगातार बात चल रही थी, तो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं पत्ता साफ हो रहा है। लेकिन ये भी समझना चाहेंगे अनूप, अगर बात करें सपा 4 नेताओं को विधान परिषद भेज सकती है, एक नाम जो है वो अमूमन साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी आ रहा है, 3 और ऐसे कौन कौन से नाम हो सकते हैं जिनका नामांकन के लिए वो पहुंचेंगे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता के रूप में समाजवादी पार्टी के में शामिल हुए थे, निश्चित रूप से उनका नाम रेस में था और समाजवादी पार्टी ने लगभग घोषित कर दिया है। अब 3 नामों में जो चर्चा है उसमें गठबंधन का भी नाम हो सकते हैं, क्योंकि गठबंधन में जो चाहे आरएलडी की बात करें या सुहेल देव की बात करें या फिर और जो गठबंधन हुए हैं उनको लेकर अभी असमंजस की स्थिति है। अभी समाजवादी पार्टी इस पर फैसला नहीं कर पाई है कि गठबंधन के प्रत्याशी उतारे या फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतरे, इस पर बैठक के बाद ही पता लग पाएगा कि समाजवादी पार्टी किसको अपना प्रत्याशी बनाना चाहती है, तभी आप पूरी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन इतना जरूर है समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें फिर वो अपने पाले में लें, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष की मजबूती एक विधानसभा में है तो विधान परिषद में भी होनी चाहिए। इस समय दो जो पार्टियां हैं, चाहे बीएसपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, इसमें से कोई भी विधान परिषद में नहीं जाने के लिए, क्योंकि उनके पास विधायक ही नहीं है। अभी जो चुनाव हुए उसमें से दोनों पार्टियों से कोई जीत नहीं पाया है, तो ऐसे में आमने सामने की टक्कर बीएसपी और समाजवादी पार्टी की है। अब देखना यह होगा कि 13 सीटों का
अलावा अगर प्रत्याशी खड़े होते हैं तो 20 तारीख को चुनाव होगा, चुनाव में कौन किसके पास जाएगा, क्या जो क्रॉस वोटिंग की बात हम लोग कर रहे थे कि एक दूसरे के वोट काटे जा सकते बिल्कुल हैं। उत्तर प्रदेश में 100 विधान परिषद सीटें हैं, विधानसभा कोटे की अगर हम बात करें तो 13 विधान परिषदों का जो कार्यकाल है वो 6 जून को खत्म हो रहा है और ऐसे में 20 जून को मतगणना और उसी दिन रिजल्ट ही आ जाएगा। देखना होगा कौन कौन प्रत्याशी इसमें नामांकन के लिए पहुंचता है। नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात करेंगे रायबरेली की, तो दो समुदायों के बीच झड़प हो गई, अलग अलग समुदाय में प्रेम विवाह को लेकर तनाव बढ़ गया। मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात की गई। जी थाना क्षेत्र के रोखा गांव की पूरी घटना बताई गई है। तो मौके पर कई थानों की पुलिस को तैनात करना पड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं जहां पर दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। रायबरेली से बड़ी खबर है, डी थाना क्षेत्र के रोखा गांव की पूरी घटना। आफताब खान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं। आफताब, क्या था ये पूरा मामला और अब क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की स्थितियां अभी? जी बिल्कुल श्रोता जी, एक्चुअली पूरा मामला प्रेम बसंत से जोड़ के देखा जा रहा है और रात का एक माहौल था जिसमें देखने को मिला कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का मामला था, जिसमें हिंदू पक्ष की लड़की थी और मुस्लिम पक्ष का लड़का था। जो प्रेम बसंत को लेके रात में ये लोग गायब थे, उसको लेकर बात इतनी बढ़ गई कि धीरे धीरे कहा सुनी होते हुए थे मारपीट में तब्दील हो गई और देखते ही देखते ही पूरा मामला, पूरा गाँव जो ग्रामीण है वो इकट्ठा हो गए और मामला इस कदर बदल गया, फूल पकड़ता देखा गया। तो अचानक ही पुलिस वालों को सूचना दी गई और लगातार सूचना मिलते ही पूरी पुलिस फोर्स ने गांव के अंदर छापा डेरा डाल दिया और देखते ही देखते गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। अभी सूत्रों से अगर खबर मानी जाए तो नहीं, लड़का और लड़की दोनों की कोतवाली में डाल लिया गया है, उनसे उनके जवाब सवाल पूछे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये मालूम पड़ रहा है कि पुलिस ने लड़के के ऊपर, लड़के पक्ष के ऊपर NDPS सॉरी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। और बाहर अगर सूत्रों की माने तो लोगों का कहना यह है कि लड़का लड़की पहले से प्रेम विवाह कर चुके थे, कोर्ट मैरिज कर चुके थे। अभी देखना है कि नाबालिग का चार्ज न बनते हुए बावजूद इसके इस तरह कार्रवाई हो रही है। और क्योंकि गांव की बात की जाए तो गांव में पूरी तरह पुलिस फोर्स तैनात है किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो सके और कोई भी तनाव बढ़ ना सके, इससे SP जी ने भी अपना पूरा नजर बनाए रखी हुई है। जी अलग समुदाय में प्रेम विवाह का ये पूरा मामला बता दें, मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात है। और अगर हम लड़का और लड़की की बात करें तो वो कहाँ पर रखे गए हैं, क्या कोई जानकारी मिल रही है उनकी? बिल्कुल, वो इस वक्त कोतवाली में बैठाए रखे गए हैं और रात से इनको बैठा लगा गया है, उनकी स्टेटमेंट रोज रिकॉर्ड हो रही है और बताया जा रहा है कि कई कई चीजें हैं जो उनको सामने आ रही हैं, लेकिन सब जोड़ने में ही प्रेम विवाह का ही मसला प्रकाश में आ रहा है। लेकिन अभी कुछ किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई इस बात की, क्योंकि मीडिया को थोड़ा सा दूर रखा गया है इन मसलों पर। लेकिन ये है कि हालात को नियंत्रण करने के लिए पुलिस फोर्स लगातार प्रयासरत है और गांव में चप्पे पर नजर बनाए हुए है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बताते दो समुदायों के बीच झड़प हुई, प्रेम विभाग का पूरा मामला, हालांकि अब जांच चल रही है इस विषय में, अभी फिलहाल जानकारी नहीं दे रही है पुलिस कोई भी। और रायबरेली का ये पूरा मामला, हालांकि जो युवक युवती है उन्हें थाने में रखा गया, स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भाजपा की दो दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखी गई है। शाम 4 बजे होगी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, संगठन विस्तार को लेकर तैयार रूपरेखा होगी, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रोड मैप बनेगा। 300 से ज्यादा भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल रहेंगे। प्रदेश के सभी 5 सांसद, कैबिनेट मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। नई सरकार बनने के बाद पहली कार्य समिति की बैठक जो है वो रखी गई है। तो हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता दें, दो दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखी गई है। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक इसमें शामिल रहेगी, संगठन विस्तार को लेकर रूपरेखा रोड मैप जो है वो तैयार होना है। 300 से ज्यादा भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल रहेंगे। योगेश शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरह से बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दूसरी बार ये पहुंच रहे हैं, दूसरे कार्यकाल का दौरा है उनका, पहली बार पहुंच रहे हैं, माफ कीजिएगा, तो अब किस तरह से जो कार्य समिति की बैठक, इसमें क्या कुछ खास रहेगा, कौन कौन इसमें शामिल रहेगा और किस तरह से संगठन को विस्तार करना है आगे, वो भी जानकारी। आज शाम 4 बजे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें कल जो पूरी कार्य समिति रहने वाली है उसका एजेंडा तय किया जाएगा। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश के सभी पदाधिकारी हैं वो आज इस बैठक में शामिल होंगे। नगर निकाय चुनाव हो, आगामी लोकसभा चुनाव हो, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी।
संगठन के विस्तार को लेकर भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। पिछले 3 महीने के कामों की समीक्षा, आगामी 3 माह के कार्यक्रमों का एजेंडा तय किया जाएगा इस बैठक में जो आज होने वाली है। जी, तो आज और कल 2 दिवसीय जो बैठक है वो खास तौर से रखी जानी है। कल जो है वो बैठक जो होगी उसमें क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से आज की जो बैठक है उसमें खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं, विधायक मंत्री शामिल हो रहे हैं, और कल जो एजेंडा रखा गया है प्रदेश पदाधिकारी की बैठक का, उसमें क्या एजेंडे रहेंगे? देखिए, कल की बैठक में मुख्य तौर पर 4 एजेंडे शामिल होंगे कि आगे किस तरह संगठन को काम करना है, आगामी 3 माह के कार्यक्रम जो है संगठन स्तर पर किस तरह से होने हैं, नगर निकाय चुनाव जो आने वाला है उसकी तैयारियों को लेकर साफ तौर से पूरी तरीके से चर्चा की जाएगी, सदस्यता अभियान भाजपा शुरू करने वाली है उसको लेकर भी यहां पर चर्चा की जाएगी। कल की जो बैठक है उसमें प्रदेश प्रभारी जो है दुष्यंत गौतम वो रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, प्रदेश के 5 सांसद, सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक, सभी लोग शामिल होंगे। कुल मिलाकर 300 जो भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता है इस बैठक में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं नई सरकार बनने के बाद बेहद महत्वपूर्ण ये कल की बैठक होने जा रही है। बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। आपको बता दें, नई सरकार बनने के बाद पहली कार्य समिति की बैठक रखी जा रही है, इसमें तमाम विधायक, सांसद जो है, प्रदेश अध्यक्ष वो भी शामिल रहेंगे। क्या उम्मीदें की जाए इस बैठक से, क्या कुछ निचोड़ निकल के सामने आएगा? देखिए, भाजपा ने जो अभी हाल में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता पदाधिकारियों को एक धन्यवाद भी किया जाएगा जो एक ऐतिहासिक जीत हुई है। इसके अलावा आगामी जो संगठन की रणनीति है, रूपरेखा है, उसको तैयार किया जाएगा कि कैसे आगे आने वाले समय में संगठन को काम करना है, आगामी जो निकाय चुनाव है उसकी कैसे कहीं ना कहीं तैयारियां की जाए, तो इन सब को लेकर यहाँ पे चर्चा की जाएगी। कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए जाएंगे, घर घर जाकर केंद्र सरकार राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को यहाँ पे पूरी तरीके से रोड मैप दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी रोड मैप होगा, संगठन विस्तार को लेकर जो है वो चर्चा प्रदेश कार्य समिति की होने जा रही है, जिसमें तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता 300 से ज्यादा सम्मिलित हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करेंगे जिस तरह से रुद्रपुर के पंत नगर की हेलमेट बनाने वाली कंपनी में काम करने वाली युवती ने 2 मुस्लिम अधिकारियों पर शारीरिक शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया और ऐसा नहीं करने पर महिला को नौकरी से बाहर कर दिया गया। जब मामले की जानकारी हिंदू युवा वाहिनी को मिली तो हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कंपनी गेट पर जमकर हंगामा मचा दिया। धरने पर बैठकर दोनों अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं कंपनी में होना बड़ी चिंता का विषय है। विवाद बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सुपरवाइजर को हिरासत में लिया और पीड़ित पक्ष को मामले में कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। सुपरवाइजर है अली मोहम्मद, वो चाहता है जो भी लड़की, जो भी लेडीज उसके टच में रहे वो उसके टच में रहे, टच में नहीं रहेगी तो उसको कंपनी से बाहर करेंगे, ठीक है। प्लस उन पे धर्म, मतलब हम लोग से बोलते हैं धर्म परिवर्तन के लिए बोलते हैं कि जातिवाद करते हैं हमारे साथ, कि हिंदू धर्म के लोग ऐसे होते हैं, हिंदू धर्म के लोग वैसे होते हैं, इस तरह से हम लोग को टॉर्चर करते हैं, मानसिक रूप से परेशान करते हैं। और जो यहाँ के प्लांट हेड हैं नादिर हुसैन, वो उनकी सपोर्ट में है, उनके मामा भांजे हैं दोनों रिलेशन में ही। जाति परिवर्तन की बात करते हैं, अपनी जाति को छोड़ के हमारी जाति में आ जाओ, हमारे साथ मतलब रिलेशन रख लो, हमसे प्यार करो, ये सब चीज़ चाहते हैं। मतलब मुझसे ही नहीं, काफ़ी सारे लोगों से चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ वो मना करते हैं उनको बाहर करते हैं, जो इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करते हैं उनको कंपनी के अंदर रखते हैं। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।